कितने बरस बीत गए, शायद ही कोई ऐसा लम्हा जब मैंने तुम्हें याद न किया। वक्त कितनी तेजी से गुजर गया है। हमारी बेटी बड़ी हो गई है, अगर तानिया ना होती तो मैं कब का मर चुका होता, कब का मर चुका होता। दुआ देता हूं बच्चों को, जिसे तानिया को वो भी नहीं बल्कि मां का प्यार दिया। अरे ये किससे बातें हो रही हैं? आओ बच्चों, आओ। अच्छा तो भाभी की तस्वीर से बातें हो रही थी। कितने समाने हो गए मगर तुमने नुसरत को भुलाया नहीं। नुसरत तो हमें छोड़कर चली गई, ये उसकी याद ही तो है जो हमें बहलाए रखती है। ठीक कहा तुमने, हर जख्म का मरहम वक्त होता है, वक्त जो गहरे से गहरे जख्म को भर देता है। ठीक कहती हो तुम, वक्त हर गहरे जख्म को भर देता है। बच्चों तुम तो जानती हो तानिया को हमने कितने लाड़ और प्यार से पाला है, और माशाल्लाह वो बड़ी हो गई है। मगर तुम्हें इससे क्या, जब देखो किसी ना किसी कारोबारी मीटिंग के लिए तुम्हारा बिस्तर बंधा रहता है, न जाने तुम्हें फुर्सत कब मिलेगी। नहीं बच्चों, मैं अपने शौक की खातिर नहीं जाता। जानती हूं मैं, मगर तानिया को तुम्हारी दौलत से ज्यादा तुम्हारी कुर्बत और मोहब्बत की जरूरत है। पैसा ही तो सब कुछ नहीं होता। तुम ठीक कहती हो बच्चों, मेरी कारोबारी मजबूरियां हैं, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं कि मैं तानिया की तरफ से गाफिल हूं। इस बार आने के बाद मगर कोई ढंग का रिश्ता भी तो हो। क्यों नहीं, तुम अपनी मसरूफियात को जरा मुख्तसर कर दो और अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाओ, तुम्हें सब कुछ मालूम हो जाएगा। क्या मतलब? मैंने कहा ना। अच्छा छोड़ो, अब रात बहुत हो चुकी है, तुम आराम करो। शब बख़ैर। शब बख़ैर। ये क्या कहा बच्चों ने, इर्द गिर्द